अगर आप भी हैं परेशान झड़ते बालों से, बालों के पतलेपन से, और बनाना चाहते हैं अपने बालों को मजबूत और घना, तो इस नुस्खे को जरूर करिएगा उपयोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के हेल्थ सॉल्यूशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो व्यक्ति झड़ते बालों से परेशान हैं, जिनके बाल पतले हो गए हैं और अपने बालों को घना और मोटा लंबा करना चाहते हैं, तो यह नुस्खा उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। इससे पहले हम जानेंगे कि बाल हमारे किन किन कारणों से झड़ते हैं। अगर हमारी स्कैल्प जो होती है ज्यादा ड्राई होती है तो ऐसे में डैंड्रफ की समस्या हमारे बालों में बनी रहती है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा, अपने बालों को हम प्रॉपर तरीके से साफ नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, तो ऐसे में भी बालों में गंदगी बनी रहती है, जिसके कारण भी बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। तीसरा, डस्ट पॉल्यूशन की वजह से भी हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं गंदगी की वजह से। साथ ही दोस्तों, अगर आप अच्छा फूड नहीं खाते हैं, आपके पेट में अगर कोई समस्या होती है, साथ ही कोई बीमारी होती है आपके पास, तो उसकी वजह से भी आपके बालों की झड़ने की समस्या बनी रहती है। दोस्तों बीमारी वाली जो समस्या है वो तो आप अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे ठीक कर सकते हैं, बट दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जो कि आपके बालों के रूट से दिक्कत है, स्कैल्प से प्रॉब्लम है, तो उस समस्या में आपको आज का यह नुस्खा बहुत ही फायदा देगा। वैसे दोस्तों मार्केट में कई ऐसे महंगे कॉस्टली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि आपके बालों को घना मोटा करने की वादे करते हैं, बट दोस्तों वह कहीं ना कहीं वह फायदा नहीं करता है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फायदा करते भी हैं और वो काफी कॉस्टली होते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज का जो यह नुस्खा है बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे इसका उपयोग करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा दोस्तों प्याज, ऑनियन। दोस्तों ऑनियन में दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि बहुत महंगी महंगी कंपनियां जो ब्रांडेड जो है जो तेल बना रही हैं, वह प्याज का यूज करती हैं। मामा अर्थ ऑयल हो गया, काफी ऑयल्स हैं जिसमें आपने देखा होगा कि ऑनियन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनियन जो है दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ऑनियन का जो ऑयल होता है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने बाल के अकॉर्डिंग प्याज का साइज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्याज लिया है। यहाँ पे दोस्तों फिर आपको इस प्याज को छील लेना है। छील लेने के बाद दोस्तों कद्दूकस कर लेना है, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों हमें इस कद्दूकस किए हुए प्याज से हमें इसका जूस निकालना है। यहाँ पे दोस्तों मैं चाय की छन्नी की मदद से इसका जूस निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो चाय की छन्नी से निकाल सकते हो, आप या तो आप किसी कॉटन के कपड़े में इसको डाल के आप इसका जूस निकाल सकते हो। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने प्याज का जूस निकाल लिया है। यहाँ पे दोस्तों हमें दूसरी और अहम चीज जो मिलानी है वो है दोस्तों विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल आपको किसी भी फार्मेसी शॉप पे इजीली से मिल जाएगा दोस्तों, इवियन 400 के नाम से। और यहाँ दोस्तों आपको 30 से 35 रुपए के बीच में इसका एक स्ट्रिप एक पत्ता मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें एक विटामिन ई के कैप्सूल का लेना है, क्योंकि दोस्तों विटामिन ई जो होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह हमारे बालों के रूट्स को मजबूत करता है, साथ ही दोस्तों हमारे बालों में शाइनिंग देता है, साथ ही पतले बाल जो होते हैं उसे भी मोटा करने में हेल्प करता है। यहाँ पे दोस्तों एक विटामिन ई का कैप्सूल लेके हमें इसके ऑयल को निकाल लेना है इस प्याज के जूस में, कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमारा यह नुस्खा बनके तैयार हो गया है। हमें अब इसका यूज कैसे करना है यह हमें जानना है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने बालों को पहले अच्छे से धो लें। धोने के बाद दोस्तों उसे अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई होने के बाद दोस्तों आपने जो ये ऑयल बनाया है इसे लेके अपने बालों के स्कैल्प में, जड़ों में अच्छे से अपने फिंगर की मदद से लगा के आराम से 2-4 मिनट तक अच्छे से मसाज करें।
फिर उसके बाद दोस्तों इस ऑयल को अपने पूरे बाल में भी लगा लें। फिर उसके बाद इसे आप घंटे 2 घंटे छोड़ दें, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप इसे छोड़ दें। फिर उसके बाद दोस्तों आप किसी भी अच्छे शैम्पू से, किसी आयुर्वेदिक अच्छे शैम्पू से इसे आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ही समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इसका बेस्ट फायदा देखना चाहते हैं तो आप इस तेल को बना के रात को सोने से पहले लगा के आप पूरी रात इसे अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें, ताकि ये ज़्यादा टाइम आपके बालों में रहेगा और आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देगा, जिससे आपको इसका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा। आप इसको जितना आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको बनाएं और उसको आप यूज़ करके ख़त्म कर दें। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने घर परिवार दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही उन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। साथ ही दोस्तों कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।